Hi learners, how are you doing? I hope you're doing great. I hope you're doing fit and fine. Now, just let me know if you're live, audible and visible. I think we are. We are doing fit and fine. We are great. We are perfect. And let's just start the show. Okay? Chalo. ठीक है बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लो इस सेशन को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सो दैट मोर पीपल कुड ज्वाइन इन. एंड आज का जो सेशन है वो है ही हमारा इतना इंटरेस्टिंग, जो आपको इतना हुक्ड अप रखने वाला है टॉपिक के साथ. और आई विल ट्राई टू डू जस्टिस टू द टॉपिक, बिकॉज आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू गेट अ गुड मैसेज आउट ऑफ इट, टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट एंड लर्न अ लाइफ स्किल, एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग अ लाइफ स्किल फ्रॉम नाउ इफ वी हैवंट ऑलरेडी. ओके ठीक है बेटा, चलो जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे. आई होप सम ऑफ यू हैव ज्वाइंड इन ऑलरेडी. तो फिर जिसने ज्वाइन नहीं किया है पहले तो लाइक शेयर कर देना बढ़िया तरीके से. एंड इन केस इफ़ यू हैपन टू कम अक्रॉस एनी अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यू आर प्लानिंग ऑन परचेजिंग एनी, सो डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड जो ऐसे बोलता है, विच रीड्स लाइक दैट NIDHI01. ठीक है, एंड थ्रू दिस कोड, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, इट विल स्ट्रेट अप टू टेक यू टू आर फ्लैट 10% ऑफ डिस्काउंट. ओके, एंड यू कैन ईजिली एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अस एंड विद अन अकेडमी, राइट. चलो, नाउ आई नो दैट सम ऑफ यू, इन फैक्ट मैनी ऑफ यू आर कीन टू नो अबाउट योर न्यू एजुकेटर, टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट हर. सो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दिस ड्रिल फॉर द फॉरमोस्ट डेज, जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी. एंड इन द कॉमेंट सेक्शन आई वुड रियली लव टू नो वॉट माई किड्स आर लाइक. ओके ठीक है, सो हाई डियर लर्नर्स, माई नेम इज़ निधि अरोरा एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन अन अकेडमी. I'm a graduate from Delhi University and I'm also a postgraduate from Jamia. Now, I've been in education space for quite a good while now, and in all these 3 years, I have really legit bogged down my hands from trying my level's best with the best of my abilities, from training and coaching SSC and NDA background students to now. And I've also I've taught my hands on CBSE and state board students. So yeah, that's about it. And I think that you don't care anymore about all of these things, but just in case, TMI मैंने आपको दे दिया है. Now, जल्दी से अपने टॉपिक पर डूब जाते हैं. Let's dive into our topic before it sweeps us in. Okay? जिससे पहले वो हमें खींच ले अपने टॉपिक में, हम ही टॉपिक में dive down कर जाते हैं. मतलब ये better रहेगा. ना बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो इस टॉपिक का नाम है सुनामी. ओके, सुनामी, इसको ध्यान से सुनना है. तो यहाँ पे ना मुझे ऐसे हाई टाइडल वेव्स दिख रही हैं पानी की, जो पूरे मतलब सारी बिल्डिंग्स को स्केप करके ऊपर ऊपर से उनके ऊपर से जा रही हैं. तो ये जो है आपका, दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर हनी ड्यू बुक. तो इसीलिए हम इस टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रक्शन और इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसके ये जो डिज़ास्टर करके जाता है बेसिकली, उसका हमारी लाइफ्स पर या लोगों की लाइफ्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट. ओके बेटा, चलो वेट अ सेक, आई विल जस्ट, ओके ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है सब कुछ. नाउ लेट मी गेट यू अक्वेंटेड विद आर वेरी टॉपिक, दैट इज सुनामी. सुनामी क्या है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन तो बनती है ना बेटा. तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस बेटा, कि सुनामी जो है ना, दो वर्ड्स को ब्रेकअप करके बनाए, ठीक है, इट इज़ ब्रोकन डाउन इंटू टू वर्ड्स. उसको हम ऐसे स्मॉल स्मॉल बिट्स एंड पीसेज में ब्रेक करके देखते हैं. सो इट इज़ डिवाइडेड इंटू सू प्लस नामी. ओके, अब बेटा ये जो सुनामी है ना हमारा, इट्स अ जापनीज वर्ड. क्या है ये हमारा जापनीज वर्ड है, जापनीज वर्ड लैंग्वेज से डिराइव हुआ ये. अब इसमें जो सू होता है ना, इसमें टी इज साइलेंट. सुनामी में जो सू हमने पहला फर्स्ट हाफ लिया है इसका, जब हम डमशराज खेलते हैं तो उसमें सुनामी में हमने टी लिया था, लेकिन टी इज साइलेंट. तो जब भी आप किसी को हिंट दे रहे होगे ना, तो आप गुजराती में सू छे बोल सकते हो. बट देन जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हम टी साइलेंट रखते हैं और सू का मतलब होता है हार्बर. ओके, व्हाट डज इट मीन,
उसके बाद आ जाता है अपना नामी. नामी का अर्थ बेटा नाम नहीं होता है, इट मीन्स वेव्स. तो हार्बर वेव्स, जितनी भी हाई टाइडल वेव्स होती हैं जो नीचे अर्थ क्रस्ट के प्रेशर पे बनती हैं, उसी को हम बोलते हैं सुनामी. ठीक है, हाई टाइडल वेव्स हैं ये, हार्बर वेव्स भी उनको बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सुनामी. फ्रॉम दिस जापानीज लैंग्वेज इट इज़ डेराइव. ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो गई है, सॉर्टेड हो गई है. जल्दी से थम्स अप दे दो यार अगर हो गई है तो, शर्माना क्या इतना है ना. चलो जल्दी से हमें पता चल गया कि ये जो है नीचे एटमॉस्फेयर जितना भी अर्थ के क्रस्ट पे चल रहा होता है उसके प्रेशर और टेम्परेचर, इट कुड बी हाई लेवल टेम्परेचर, इट कुड बी लो लेवल प्रेशर एंड वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है. जैसे ही अर्थ के क्रस्ट पे अनस्टेबिलिटी होगी अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में, तभी जो है सी लेवल पे, ओशन लेवल पे प्रेशर बनता है एंड देन द वेव्स बार्ज इन ओवर अस. तो मतलब ये जो है लैंड के ऊपर चले जाते हैं. ऑल्सो आपने देखा होगा बेटा सुनामी जो है अक्सर ये एक ऐसा नेचुरल कैलमिटी है, नेचुरल डिज़ास्टर है यू कॉल इट. ये जो है हमेशा सी कोस्ट रीजन्स पर ही ज़्यादा मतलब इसके जो एरियाज़ होते हैं मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ वो सी कोस्ट रीजन्स होते हैं, सी कोस्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे समुद्र पास में होते हैं, ऐसे स्टेट्स बेसिकली. राइट, तो ये चीज़ से हम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं. नाउ फर्दर आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं. अब आपकी बुक में ना एक बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज है, इसको यू हैव टू रियली टेक अ नोट ऑफ इट एंड यू हैव टू रियली प्रैक्टिस इट बाय हार्ट. इससे ना आपका सोशल साइंस पार्ट जो है वो भी मैम पढ़ाने लगी गई हैं अब तो. ठीक है, तो सोशल साइंस पार्ट पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा. सो इट सेज दैट लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर. आपको इधर देखना है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पूरे जो अंदर मैप्स हैं ना वो दिए गए हैं, मतलब थरो उसको हमने देख लिया अच्छे से ऐसे जूम इन करके. तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, माय बहुत ही ऐसे इंट्रीग्ड बातें दिख रही हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने में ही पता चलती हैं, है ना. तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो मुझे बेटा मुझे नॉर्थ अंडमान, फिर नीचे दिख रहा है मिडिल अंडमान, फिर है लोअर अंडमान, फिर नीचे है इधर पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर तो सबने सुना ही होगा, मतलब नहीं भी सुना तो आप सुन लो. फिर आ जाएगा अंडमान सी, फिर लिटिल अंडमान. तो ये बिट्स एंड पीसेस में ब्रेकअप हो के बना हुआ है पूरा अंडमान. फिर ये अंडमान आइलैंड्स के नीचे आ जाता है निकोबार. निकोबार आइलैंड्स में क्या क्या है बेटा, इंडियन ओशन, कार निकोबार, निकोबार आइलैंड्स ये पूरा है. इसमें आ जाएगा टेरासा, फिर आ जाएगा बेटा नॉन काउरी, इसको नैन काउरी भी बोलते हैं बेटा, नैन काउरी वुड बी द बेटर प्रोनंसिएशन एंड बेटर स्पेलिंग एज यू कॉल इट. फिर यहाँ पे आ जाएगा कैचॉल. कैचॉल और नैन काउरी की स्टोरीज आज की आपको स्टोरी में आज के चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी. देन कम्स आ लिटिल निकोबार, फिर आ जाएगा ग्रेट निकोबार. ठीक है, तो इसको बहुत 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 अच्छे से देख लेंगे हम लोग क्या क्या आता है यहाँ पे अपने पास में. जो हमारे पास आज के चैप्टर की स्टोरी है ना उसको ध्यान से देख लेना. इट विल बी बेस्ड ऑन या फिर बेस्ड आउट ऑफ, वेयर इज माई पेन, नहीं मतलब वेयर इज माई पेन, ओके देयर यू गो. या थोड़ी सी ना फास्ट साइटेडनेस ना मेरी क्रिकेट जैसी ही है, एंट एंड द क्रिकेट वाला जो क्रिकेट है ना, तो उसको माइंड मत करना ज़्यादा. ओके ठीक है, ढूंढ लिया मैंने आखिरकार, ये मेरा पॉइंट ही है. तो कैच ऑल और नान कौरी इसको जो है आप नोट डाउन कर लेना, इसी पे ही हमारी बेस्ड होगी स्टोरीज आज की. कूल क्लियर, किसी को कोई डाउट, अभी तो आएगा डाउट, अभी तो आना है क्योंकि एक्सरसाइज तो अभी शुरू भी नहीं हुई है. नाउ कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे बेटा, आपने अगर मैप को इसका थरो स्टडी कर लिया ना, इसका थरली अच्छे से देख लिया, तो आपको कुछ चीज़ें पता चल जाने वाली है बेटा कि आपको ना यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं. आपको अगर वो करेक्ट है सेंटेंसेस तो आप बोलोगे ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर इफ़ यू फाउंड एनी ऑफ द सेंटेंसेज दैट आर इनकरेक्ट, विच आर इनकरेक्ट, देन यू हैव टू रीराइट इट एंड विद द करेक्शन, विद देयर डिज़ायर्ड एंड रिस्पेक्टिव करेक्शंस. ठीक है, तो ये काम करना है आपने. तो यहाँ पे बोला है बेटा नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, नीचे वाले सेंटेंसेस को रीड आउट करेंगे हम. रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स. आपको इनकरेक्ट जितने भी होंगे उनको रीराइट करना है उनके मिस्टेक्स को करेक्ट करके. एंड दैट दिस वुड बी, दिस इज गोइंग टू बी सो फन बेटा, सो मच फन, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली.
आफ्टर आई फाउंड माई पेन ऑफ कोर्स. ठीक है चलो क्या बोला है यहाँ पे. हाँ ठीक है, कैचॉल इज एन आईलैंड. यहाँ पे बोला गया है कैचॉल एक आईलैंड है. तो जैसे ही मैंने अंडमान और निकोबार के आपको पूरा मैप दिखाया तो उसमें मुझे साफ साफ पता चल रहा है कैचॉल मुझे दिख रहा है एंड इट इज़ वन ऑफ द आईलैंड्स ऑफ निकोबार. यहाँ दिख रहा है मुझे कैचॉल, हाईलाइट कर देते हैं. नहीं दिख रहा तो अभी दिख जाएगा, मेरी तरह भी तो आई साइट हो सकती है बहुत सारे बच्चों की, कोई बात नहीं है. तो कैचॉल ठीक है, तो ये निकोबार आईलैंड्स के अंदर आ गया है. इसके अंदर बहुत सारे आईलैंड्स है ना, तो कैचॉल एक आईलैंड है. तो ये तो हमारी स्टेटमेंट सही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है फिर आ जाता बेटा, इट इज पार्ट ऑफ द एंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. क्या ये एंडमान के ग्रुप का आइलैंड है? एंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं ना, क्या ये एंडमान में आता है? नो 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 नो, ये तो गलत हो जाएगा. तो फिर हम कर देंगे इसको निकोबार वाला, तो इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे खुद ही. हिंट मैंने पूरी दे दी है, सो दिस इज आवर रॉन्ग स्टेटमेंट एंड यू ऑल हैव टू री राइट इट. ओके फिर आ जाता है नानकावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप. नानकावरी जो है एक आइलैंड है निकोबार ग्रुप में. क्या ये हमारी स्टेटमेंट सही है? जी हाँ सही है. तो इसको नानकावरी जो लिखा हुआ है ना, इसको नानकावरी कर लेना एंड दिस वुड बी गुड टू गो. ठीक है ओके तो तीन स्टेटमेंट्स हो गई है. ये तीसरा वाला तो इन्होंने सही कह दिया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस में करेक्शन करनी है. नोट डाउन करेंगे, थम्स अप देके मुझे बताएंगे कि समझ आया अप टिल नाउ, आर द थिंग्स क्लियर, आर वी ऑन द सेम पेज और नॉट, और इट इज द केस ऑफ अदरवाइज. क्या लगता है आपको? चलो ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, डन 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 डन. नेक्स्ट चले, मजा आ रहा होगा. देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट डज इट से. ये कहता है कैचॉल एंड नानकावरी आर मोर देन 100 miles अपार्ट. कैचॉल और नानकावरी जो है वो 100 miles से भी ज़्यादा हैं. ठीक है मोर देन 100 miles अपार्ट कैसे? मतलब हिंट है, द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन. आपको यहाँ पे मैप का स्केल गिवन है. कैचॉल एंड नानकावरी जो है वो 100 miles अपार्ट से भी ज़्यादा दूरी पर हैं. क्या लगता है आपको? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इधर दिया हुआ है स्केल. तो जिसकी भी मैथ्स अच्छी है वो मुझे इसको सॉल्व करके बताना. ठीक है कितना डिस्टेंस दूर है इनके बीच में स्केल से मेजर करके. ठीक है चलो जी. फिर आगे बोला बेटा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्ट पे पड़ता है अंडमान एंड निकोबार. भाई हमने तो नीचे देखे हैं, किसने देखे हैं वेस्ट में? मुझे तो नहीं पता, तो फिर आप इसको करेक्ट कर देना अकॉर्डिंगली. ठीक है ये आपको करके लेकर आना है. देन कम्स द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स. निकोबार आइलैंड अंडमान के नॉर्थ में पड़ते हैं. मैप को देखो, निकोबार अंडमान के नीचे है तो क्या वो उसके नॉर्थ में पड़ता है? यू विल हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली. ठीक है मेरे अकॉर्डिंग इट इज नॉट द केस. ओके तो बेटा यहाँ पे हमने 6 के 6 एक्सरसाइज को कर लिया है कंप्लीट. 6 sentences हमने डन डन आर डन डन कर लिया है. तो मुझे लगता है ऐसा, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ कि चैप्टर तो बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे, है ना? लग तो यही रहा है. अब देखो बेटा ये वाला जो पोर्शन आएगा ना, ये आपके काम का पोर्शन है, बहुत ध्यान से देखना है. क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर कोई भी पोम पढ़ने से पहले इसका ओवरव्यू लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले कुछ ओवरव्यू है. अब मैं आपको बताती हूँ. सुनामी बेसिकली एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है, एक ऐसी नेचुरल कैलामिटी है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है अपने आते से ही. इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, नॉट ओनली लाइफ बट ऑल्सो लाइवलीहुड. लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों का काम उजड़ जाता है. ठीक है सो देयर्स पीपल फेस अ लॉट ऑफ लॉस इन लॉस ऑफ लाइक देयर नियर एंड डियर वंस, देयर लव्ड वंस. तो हर चीज़ में वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. तो यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट वन है, इसमें ये जो सुनामी है ना बेटा चैप्टर, आपके इसमें 3 parts मिलेंगे आपको. तो इसके पहले पार्ट में हम कुछ ऐसी स्टोरीज सुनेंगे जो कि मिसलेनियस स्टोरीज है, जो कि इन दो आइलैंड्स पे बेस्ड है, कैचॉल और नानकावरी आइलैंड जो निकोबार में पड़ता है,
और इन्हीं की बहुत सारी स्टोरीज हैं मल्टीपल, जिसमें ये जो वॉरियर्स और जो सर्वाइवल्स हैं वो स्टोरीज बताते हैं, वो बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने फाइट किया। इनमें से बहुत सारे उनके जो लव्ड वंस हैं वो उनसे दूर हो गए, बिकॉज दे गॉट स्वेप्ट अवे विद द वाटर, दे वॉश्ड अवे, दे वर वॉश्ड अवे विद द वाटर, विद द वेव्स, विद द हाई टाइडल वेव्स, तो वो नहीं बचा पाए। बट समहाउ बिकॉज समहाउ दे गॉट मैनेज टू सेव देमसेल्व्स, हेंस दे आर नैरेटिंग देयर स्टोरीज टू अस। ठीक है, तो उन्हीं के थ्रू हम जो है इन स्टोरीज को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो पार्ट वन में हम उन लोगों के करेज को समझेंगे जिन लोगों ने अपनी स्टोरीज ये सुनाई है, अपने बारे में बताया है, इंटरव्यू दिया होगा बाद में। हम उनके सर्वाइवल की बात करेंगे कि कैसे कैसे कितने दिनों में उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया होगा, कैसे उनके लिए वो फीलिंग मिजरेबल कितनी रही होगी जब उनने देखा होगा उनके लव्ड वंस उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए, मतलब एक हवा का झोंका भी नहीं, पानी की वेव आई और वो सब कुछ तहस नहस करके चली गई। एंड फॉर दैट दे हैव टू बेयर विद दिस पेन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, सो लाइक नथिंग लाइक इट, देयर कुडंट बी मोर पेन देन दिस, देन द लॉस ऑफ देयर डियर वंस, नियर एंड डियर वंस, राइट। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे किसी कोई सर्वाइव कर पाया, कोई नहीं कर पाया, इन सभी चीज़ों के बारे में, ओवरऑल डिस्ट्रक्शन जो एक नेचुरल कैलामिटी कैन कॉज, उसके बारे में हम, उस पर ही बेस्ड आउट है ये। क्लियर है, थम्स अप, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। चलो जी रीड कर लें फिर इसको, लेट्स जस्ट गिव इट अ रीड देन। ओके, सो इफ ओनली योर ऑल इयर्स, देन लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक। बिफोर यू रीड, में बोला है बेटा, अर्ज किया है, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वेव होती है। ठीक है, देखो लाइक दिस, यहाँ देखो ऊपर से भी वेव आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपको नीचे नीचे ही वेव दिख रही है, ऊपर से भी वेव के ऊपर वेव है, यानी कि अगर आप नीचे वाली वेव से भी बच जाओ तो ऊपर से कैसे बच पाओगे, हाई टाइडल वेव्स हैं। ठीक है, तो यही बोला है इसने, सुनामी जो है बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेव है जो किसके थ्रू कॉज होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। तो ये अर्थक्वेक्स के थ्रू कॉज्ड होती है। अब यहाँ पे बोला है बेटा, ऑन 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने हिट किया था। सो अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो एक हिट आई थी सुनामी की, जिसने किस किस को हिट किया था, एक तो थाईलैंड जो विदेश में है, और इंडिया के जो पार्ट्स हैं अंडमान और निकोबार दोनों को हिट किया था उसने। ठीक है, एंड द तमिलनाडु कोस्ट एज वेल। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी, लास्ट ईयर भी, जब कोविड के टाइम पे भी साइक्लोन आया था, तो उसकी वजह से जो है बहुत बार ऐसे प्रिडिक्शंस भी आई हैं, फिर फ्लड आया है, तो वो सब जैसे केरला के रीजन में इतना ज़्यादा वो हुआ था डिज़ास्टर, तो काफ़ी ज़्यादा हैफिजार्डस सिचुएशन हो गई थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लोगों को। तो यहाँ पे यही बोला गया बेटा कि अंडमान में भी हुआ, निकोबार, क्योंकि ये सारे सी कोस्ट रीजन्स हैं, इस वजह से उनको लॉस हुआ। Here are some stories of courage and survival. आप साहस का की कुछ स्टोरी सुनेंगे, एक सर्वाइवल, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया उसकी स्टोरी सुनेंगे। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या एनिमल्स ने सेंस किया था, मतलब सूंघा हुआ है कभी क्या कि सुनामी आने वाली है? Some stories suggest that they did. तो यहाँ पे बिफोर यू रीड में तीनों ही पार्ट्स का आपको जो है बाइफोकेशन करके तीनों ही पार्ट्स का क्रक्स निकाल के दिया हुआ है कि क्या आपको लगता है एनिमल सेंस कर पाते होंगे कोई नेचुरल डिजास्टर, कुछ स्टोरीज बताती हैं कि हाँ ये कर पाते हैं। तो यार ग्रोइंग अप आई हैव ऑलवेज थॉट, मतलब हमें यही पढ़ाया गया, हमें यही बताया गया कि जो एनिमल्स होते हैं ना, दे आर बॉर्न विद सिक्स्थ सेंस, तो उनका बाय बर्थ होती है, वो गॉड गिफ्टेड होता है, बाय नेचर गिफ्ट होता है उनको। सो देयर सेंसिंग पावर टू एनीथिंग, लाइक देयर सेंस, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, चाहे कोई थीफ भी होता है तभी वो उसको डॉग्स को लेके जाते हैं ना, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, सूंघने के लिए, तो वो बहुत जल्दी स्मेल कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनके इंस्टिंक्ट्स, उनके दे हैव दिस इंट्यूशन जो उन्हें सब कुछ बता देती है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि क्या वो सेंस करते होंगे, तो स्टोरीज बताती है कि हाँ ऐसा होता होगा, आई कैन बेट, आई कैन अश्योर दिस थिंग। तो इन्होंने भी कुछ ऐसी स्टोरीज बताई हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप पार्ट वन में कोई एनिमल की स्टोरी नहीं सुनेंगे, आप ह्यूमनली स्टोरीज सुनेंगे जिनके जिन्होंने अपनी लाइफ में सच में सजीव डिस्ट्रक्शन देखे हैं, राइट। चलो ठीक है,
तो ये है सुनामी, हाई टाइडल वेव है, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी तबाह करके जा रही है. आर वी क्लियर अप टू दिस पॉइंट? आई गेस वी आर. ठीक है. ओप्स, वेट वेट वेट. यस ओके कूल है. नाउ अब बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी पहली लाइन है. यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि दीज स्टोरीज आर फ्रॉम एंडमैन एंड निकोबार आर्किपेलागो. नाउ व्हाट इज आर्किपेलागो? गुड गुड क्वेश्चन एंड गुड टर्मिनोलॉजी. आर्किपेलागो बेटा बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ सेवरल आइलैंड्स जॉइंट टुगेदर अलॉन्ग विद, मतलब सी साइड होना चाहिए. इट द आइलैंड शुड बी सराउंडेड विद सीज एंड ओशंस. ओके तो वो तो बट ऑब्वियस ही बात है. जैसे बेटा ये हम ग्रुप्स के नाम देते हैं ना कलेक्टिव नाउन्स में, जैसे कि अ बंच ऑफ कीज एज वी से, तो एक चाबी चाबी, बट सबको गुच्छे में बांध दिया तो हम उसे बोलेंगे बंच ऑफ कीज, है ना. बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोलते हैं. ऐसे ही अगर लोगों का झुंड हो, इकट्ठा हो जाए, उनकी जो भीड़ होती है उनको हम या तो आइदर वी कॉल देम क्राउड, हम या तो क्राउड बोलते हैं या फिर मॉब बोलते हैं, MOB मॉब, राइट. लाइकवाइज जब आइलैंड्स का ग्रुप होगा, समूह होगा, उनका झुंड होगा, उसको हम आर्किपेलागो बोलते हैं. तो यहाँ पे दिया भी हुआ है देखो. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड सराउंडिंग सी, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और उनके आइलैंड जो कि सीज को सराउंड कर रहे हैं, समुद्र को सराउंड कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उन सभी से मिलके बनता है ये एंडमैन एंड निकोबार का आर्किपेलागो. बहुत सारे आइलैंड्स भी आते हैं ना बीच में, ग्रुप्स आते हैं जिनको मिला के बना के ये बनता है, तो इसलिए आर्किपेलागो हमने ये बोला है. थम्स अप, यही हमें पढ़ना है. तो अंदर देखते हैं अब ये अंडमान और निकोबार के आर्किपेलागो की क्या कहानी है. अब ये जो स्टोरीज है ना, हम लोग किसी ना किसी वे ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू सुन रहे थे. इन्होंने भी पता, इन्हें भी कैसे ना कैसे करके प्रिडिक्शन आई थी, पता चला, न्यूज़ में देखा, तब इन्हें इन लोगों के को पता चला था, यानी कि उनको भी, इन्होंने भी सेंस कर लिया था बेसिकली. ठीक है, चलो देखते हैं आगे. पहला पार्ट आप देखेंगे इस स्टोरी में, इस वाले पार्ट में, सिर्फ इसी पैराग्राफ में आपको जो है प्रोटैगनिस्ट हमारे दिखेंगे, वो है इग्नेशियस. ठीक है, इनका नाम है इग्नेशियस. ये है हमारे प्रोटैगनिस्ट. कहाँ गए? ओके, दोबारा से लिख लें. थोड़ा सा ब्लंडर हो गया ना. प्रोटैगनिस्ट है यानी कि इनके अराउंड ही स्टोरी थोड़ी सी रिवॉल्व कर रही है हमारे इग्नेशियस. चलो चलो अब देखते हैं ये इग्नेशियस जी जो हैं साहब, इनका क्या कहना है बेसिकली. इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये क्या थे? एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के. कौन सी सोसाइटी थी वो? इन कैचॉल. कैचॉल आइलैंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसके मैनेजर थे इग्नेशियस. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज ही फेल्ट एन अर्थक्वेक. उनकी जो वाइफ है उन्होंने उसे जगाया 6 बजे सुबह सुबह क्योंकि उन्हें एक अर्थक्वेक फील हुआ, ऐसे अर्थ की कंपन फील हुई. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. जो इग्नेशियस हैं उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने टेलीविजन सेट को, जो मैंने इससे पहले वाले फोटो में टेलीविजन सेट दिखाया था, उसको इन्होंने नीचे रख दिया अपनी टेबल के, और उसको फिर नीचे लाके ग्राउंड पे रख दिया जस्ट सो वो गिरे ना और टूटे ना. ठीक है, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फैमिली जो है घर के बाहर भागी, दौड़ी, दौड़ा दौड़ा दुम दबा के दौड़ा, एंड राइटफुली सो, करना भी चाहिए था ऐसा बेटा. अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा सुंदर मैसेज दिया है इन्होंने हमें कि जितनी भी, अगर आपको कोई भारी भरकम चीज़ दिखती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या अप्लाइंस दिखते हैं, अगर आप उनका लॉस का डर है तो आप उन्हें फटाफट से ग्राउंड में रख दो ताकि उनकी वेव से भी कुछ ना हो और वैसे भी वो ख़राब ना हो या टूटे ना बेसिकली. तो ग्राउंड में रख दो हर चीज़. जैसे हम बोलते हैं ना अर्थक्वेक आता है तो नीचे झुक के ऐसे करके बस बैठ जाओ, लाई डाउन एट योर प्लेस. तो यहाँ पे भी यही बोला है बेटा
कि आपके सर पे कोई इंजरी ना आ जाए उसकी वजह से, तो ऊपर से कोई भी भारी चीज़ को नीचे रख दो. सो दिस वन टाइम वी फेल्ट एन अर्थक्वेक, वी ऑल वर एट प्लेसेस, यानी कि हम अपने घर पे थे. सो माई डैड वॉज द फर्स्ट वन टू हैव फेल्ट ऑफ दिस शेकीनेस. तो उन्हें जैसे अर्थक्वेक की फीलिंग आई थी ना, सो ही लेफ्ट everything else aside and behind, he just ran off the building, he just got off the building, he just vacated the building. ठीक है, तो he was the first one and without wearing any of the slippers. उनके पास कोई footwear भी नहीं थे, but he immediately took this step. And so did we. So we followed him afterwards. तो हमें ये पता चला यार उस टाइम पे कि पैनिक बिल्कुल नहीं क्रिएट करना चाहिए. ऐसी जब भी कोई सिचुएशन हो, जस्ट वैकेट द बिल्डिंग ASAP. ठीक है, आप कोई भी चीज़ मत सोचो. एंड एवरीबडी शुड टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स देयर ओन लाइव्स, ताकि आप दूसरों को रिस्क पे ना डालो अपने चक्कर में. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है. तो इसमें क्या हुआ बेटा, इग्निशियस जो थे वो मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैचॉल आइलैंड में. नाउ उनकी वाइफ ने उन्हें 6 बजे जगाया, क्योंकि उन्हें अर्थक्वेक की ऐसे इंट्यूशन हुई, फील हुआ था अर्थक्वेक. इग्निशियस ने ध्यानपूर्वक टेलीविजन सेट को नीचे रख दिया था ताकि वो टूटे ना और गिरे ना. उसके बाद वो घर के बाहर दौड़े सबके सब. अब बेटा ये ट्रेमर का मीनिंग आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, बट मीनवाइल यही हुआ है. ठीक है, अर्थक्वेक की फीलिंग आती है तो क्या होता है बेटा, ये अंदर की वेव्स वो हिलने लग जाते हैं. तो सुनामी में बेसिकली पहले अर्थक्वेक यानी कि शेकिनेस सा फील होगा, अर्थक्वेक आता है पहले, उसके बाद ही वेव्स बदलती हैं सी कोस्ट रीजन पे, और तभी आता है सुनामी, तभी फैलता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेव है इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अर्थक्वेक्स. चलो क्लियर है हमें यहाँ तक, तो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना, डन है, सॉर्टेड है, ओके ठीक है, परफेक्ट है. सो बाय नाउ आई थिंक दैट इट्स ऑल क्लियर. आगे चलते हैं. आगे बोला गया है बेटा, व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, ट्रेमर क्या होता है, शेकिनेस, वो जो डरावनापना है, तो उसके पहले वाले पेज पे मैंने आपको मीनिंग लिखाया था. दे सॉ द सी राइजिंग. अब सी लेवल जो है बढ़ रहा है, आगे आ रहा है. हमेशा देखना बेटा, ग्राउंड लेवल हमेशा बढ़ जाएगा. जैसे अर्थक्वेक आता है, शेकिनेस होती है, तो ये देखो घर भी ऊपर की साइड हो गया, ऊपर उठ गया, यानी कि शेकिनेस की वजह से ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ जाएंगी चीज़ें. अब वो यार बिल्डिंग है, ऐसे थोड़ी है कि वो बस सीधी रहेगी और अर्थ क्रस्ट ऊपर चला जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा, नेचर में डिसबैलेंस हो जाएगा बेसिकली, और अर्थ की क्रस्ट में तो हो ही जाएगा बेसिकली. तो यहाँ पे क्या बोला बेटा, व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, जैसे ही वो शेकिनेस रुकी, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा सी लेवल बढ़ रहा है. इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, पैनिक क्रिएट हो गया था, तो केओस हो गई, अराजकता जाग गई, एंड कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज घूम रहे थे लोग. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर and rushed in the opposite direction. Now, look at the situation carefully. बहुत ध्यान से देखना, इतना ज़्यादा लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, हर्ली बर्ली हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसके दोनों बच्चे, इग्निशियस के दो बच्चे, उन्होंने caught hold of the hands, उनके पास हाथ पकड़ लिया किसने, उनके मम्मा के फादर ने और मम्मा के भाई ने. सो मदर्स फादर कौन हुए, इन बच्चों के नानू, इग्निशियस के फादर इन लॉ, और मदर्स ब्रदर कौन हुए, इन बच्चों के मामू, और या फिर हम कह सकते हैं कि इग्निशियस के ब्रदर इन लॉ. ठीक है, तो ये हुआ. एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरे तरफ भाग गए, इग्निशियस जिस तरफ भागा था उससे ऑपोजिट भाग गए थे, तो सारी फैमिली अलग हो गई है एक तरफ, इग्निशियस और उनकी वाइफ एक तरफ हैं इधर, और फिर उसके बाद दूसरी साइड में इग्निशियस के बच्चे, उनके नानू और उनके मामू एक तरफ हैं. राइट, नाउ ही नेवर सॉ देम अगेन. अब नाउ द ट्रेजेडी इज कि इग्निशियस ने अपनी फैमिली को फिर अब कभी नहीं देखा, यानी कि उनकी जो नानू मामू और जो बच्चे हैं उन्होंने कभी नहीं देखा, यानी कि दे स्वेप्ट अवे विद द वाटर, विद द टाइड्स ऑफ वाटर. His wife was also swept away, यानी कि wife भी बह गई थी. Swept, sweep का verb की second form होती है बेटा swept, तो यहाँ पे swept का मतलब हो जाएगा बह जाना. Note it down. Okay, ठीक है.
तो यहाँ पे ये बोला यार इसने कभी नहीं देखा फिर उन्हें बेचारा, तो उनकी वाइफ जो थी वो भी बह गई, रहा कौन, ओनली द थ्री चिल्ड्रेन, सिर्फ तीन बच्चे थे हु केम विद हिम वर सेव्ड, यानी कि उसके साथ कोई तीन बच्चे रैंडम आ गए थे, सिर्फ वही बच पाए क्योंकि इग्निशियस उनके साथ था, तो ये चारों लोग साथ बच गए थे, इग्निशियस और तीन कोई रैंडम बच्चे, दे गॉट सेव्ड, बट बस बस इतना ही था। तो फर्स्ट स्टोरी में हमें पता चला कि इग्निशियस को तो पहले ही पता चल गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम करता था वो, ठीक है, और मैनेजर था वो, फिर भी उनको पहले से ही इंट्यूशन भी आ गई थी, बट लास्ट मोमेंट पे कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, 11th आवर पे अगर आपको कोई हाई टाइड इन्फॉर्म करे तो वेयर एल्स कैन यू गो, आप लोग ऐसे ट्रेन पकड़ के कहीं और नहीं जा सकते हो। सो ऑल यू हैड ऑल दे हैड वॉज दिस देयर प्लेस, जहाँ से वो थोड़ी दूर तक अपने आप को हाइड कर सकते थे, बट देन टाइड फॉलोड देयर पाथ्स एंड देन दे ऑल स्वेप्ट अवे, हु ऑल लेफ्ट, हु ऑल गॉट सेव्ड, इग्निशियस एंड थ्री अदर चिल्ड्रन हु आर विद हिम, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि यार नीचे ना हायर अगर सेस्मिक वेव्स हो जाएं, अर्थक्वेक की ज़्यादा प्लेट्स चेंज होती रहे, डिसबैलेंस हो जाए उसकी क्रस्ट में, इनर क्रस्ट में, तो वेव्स चेंज होके ग्राउंड वाटर जो लेवल है उस पर फर्क पड़ेगा, तो सी लेवल पे भी प्रेशर अलग बन जाता है, चेंज हो जाता है, इस वजह से एकदम से उछाल आता है पानी का, विच नो वन कैन इवन इमेजिन। ओके, तो ये काफी नेचर के साथ डिसबैलेंस हुआ है आई मे से। चलो अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं बेटा, कुछ जिसमें हमें एक पुलिसमैन दिख रहा है जिसका नाम है ये संजीव। तो पुलिसमैन है एक संजीव, इनके साथ भी एक दूसरी स्टोरी है, सो दिस इज द सेकेंड स्टोरी, इसी पार्ट वन में ही है, ध्यान से देखना बेटा, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संजीव वॉज अ पुलिस मैन, संजीव एक पुलिस मैन था, सर्विंग इन द कैच हॉल आईलैंड, वो सर्व कर रहा था यानी कि काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था कैच हॉल आईलैंड में, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड्स, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड्स है ना उसमें हेल्प कर रहा था वो। जस्ट अ सेकेंड बेटा, ओके। सो संजीव जो है पुलिसमैन है, पुलिसमैन था और वो सर्व कर रहा था कैच ऑल आइलैंड, जो निकोबार ग्रुप का वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड्स थे ना, तो उसमें से कैच ऑल था, उसी की स्टोरी चल रही है अभी। सो ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचा लिया था जैसे तैसे करके, मतलब कुछ भी हो बस बचा लिया, बट हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसने तीनों को बचा लिया था। सो ही सेव्ड हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, वेव से तीनों को बचा के, चलो भैया नैया पार करा दिए, वे बोट पे चल गए हैं, सेव हो गई है उनकी लाइफ, ऐसा उनको लग रहा था ऐसा। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, अब वहाँ के गेस्ट हाउस कुक थी यानी कि जॉन की वाइफ थी, वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ, तो क्राइज फॉर हेल्प यानी कि चिल्लाहट थी वो बचाने की, तो हेल्प के लिए शी कॉल्ड फॉर पीपल, तो क्या हो गया फिर बेसिकली, संजीव जम्प्ड इन टू द वॉटर टू रेस्क्यू हर, संजीव से देखा नहीं गया, बींग अ पुलिस मैन ही वॉन्टेड टू रेस्क्यू हर, सो ही जम्प्ड इन टू द वॉटर, वो कूद गया पानी में उसको बचाने के लिए, बट दे बोथ स्वेप्ट अवे, बट दिक्कत क्या हुई कि वो दोनों बह गए, तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक हो गया, दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद की जान गई। अक्सर ऐसा होता है, आई हैव सीन दिस बेटा हॉस्पिटल्स में भी, इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ना पीपल आर हाउलिंग इन हॉस्पिटल्स, सो इफ यू सी, इफ यू थिंक ऑफ सेविंग वन लाइफ, सो इट शुड बी वन एट अ टाइम, बिकॉज यू कैन नॉट सेव, बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इफ यू डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ देन देयर देन यू शुड बी गिल्टी, यू शुड बी वेरी मच एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। तो यहाँ पे आपने अपनी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे पहले लेनी है, उसके बाद अगर आप किसी और की लाइफ सेव करने आए हो हॉस्पिटल में, कोविड टाइम्स में पीपल हैव पीपल आर लाइकली टू ऑब्जर्व दिस थिंग अ लॉट मोर, क्योंकि एवरीबडी नीडेड ऑक्सीजन सिलेंडर, एवरीबडी नीडेड स्टेरॉइड्स, एवरीबडी नीडेड बेड्स, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्योज क्रिएट हो गया था।
तो दूसरों को बचाने के चक्कर में किस किस को बचाएं वो वाली, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया था उस टाइम पे एथिक्स पे, है ना। तो लोगों ने फिर क्या सोचना शुरू किया कि यार अभी हु कांट हेल्प मैनी पीपल कैन ओनली हेल्प द वंस दे कैन, मतलब वो लिमिटेड ही हों लेकिन वो अगर उनके अपने हैं उनको बचा पा रहे हैं तो वो उनकी ही लाइफ सेव करें, बाकी अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो देयर हैंड्स वर ऑल्सो लाइक हेल्पलेस टाइप्स। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि संजीव जो है वो एक पुलिसमैन था जो कैच हॉल में सर्व कर रहा था, तो उसके अंदर वो सोशल वर्कर वाली फीलिंग आ गई थी, तो उसको लगा यार ही कैन नॉट सी अ पर्सन क्राइंग फॉर हेल्प एंड वांटिंग समबडी टू सेव हर, तो वो उसे देखा ही नहीं गया था। दैट इज़ व्हाई ही हैड टू जंप इनटू द वाटर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू हर। बट वो जो था डिसीजन इन अ वे रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसकी फैमिली के लिए इनजस्टिस हो गया संजीव की, है ना। उसकी फैमिली तो ये सोच रही होगी कि बच गए, चलो ठीक है हम सब आ गए हैं, बट वो एक लॉस हो गया किसी को बचाने के चक्कर में, वो काफ़ी बड़ा लॉस हो गया, है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम रेस्क्यू की बात करेंगे, यानी कि बचाना। ओके, बाकी सब सेफ है, कूल है। तो यहाँ पे संजीव ने जॉन की वाइफ की को बचाने के चक्कर में वो खुद स्वेप्ट अवे, ही टू वॉज स्वेप्ट अवे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ से एक और स्टोरी आती है, थर्ड स्टोरी है आज की, थर्ड स्टोरी है, चार स्टोरीज हैं टोटल इसमें, तो थर्ड स्टोरी इसको भी ध्यान से देखना बेटा, फोर्थ स्टोरी थोड़ी सी बड़ी होगी ज़्यादा। ओके, लुकिंग फॉर माई पॉइंटी, हियर इट इज। 13-year-old मेघना, 13 साल की थी मेघना, was swept away along with her parents, वो खिंच गई अपने पेरेंट्स के साथ साथ and 77 other people, यानी कि ये जो आप फेसबुक वाले वो डालते हो ना मजाक से हटके, आई एम जस्ट बीइंग सार्केस्टिक, फेसबुक पे जब वो लोग डालते हैं कि ईटिंग विद 6 others, 7 others, तो यहाँ पे मेघना was swept away along with her parents and 77 others, यानी कि अकेले उसकी जान नहीं गई थी, इतने सारे, इट वॉज अ ट्रिमेंडसली हाई अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हु स्वेप्ट अवे विद द टाइड्स ऑफ वेव्स, है ना, विद द टाइड्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मात्र 13 साल की मेघना थी जो अपने पेरेंट्स और 77 और लोगों के साथ बह गई थी पानी में, वो तो बहुत ही ज़्यादा हजार्डस मोमेंट रहा होगा। तो यहाँ पे ये बोला बेटा, शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो ना 2 दिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी लड़की ने, शी वॉज वेरी करेजियस, शी वॉज ऑडेशियस इनफ टू हैव फॉट थ्रू इट, लाइक ऑल थ्रू आउट द जर्नी, ऑल थ्रू आउट द सिचुएशन, ऑल थ्रू आउट द बैड टाइम्स, द अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, यहाँ पे उसने बहुत फाइट मारी लड़की ने। सो शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में 2 दिन तैरती रही वो, मतलब सोचो पानी में स्विमिंग करते हुए कितनी देर में थक जाते हैं। तो बीइंग अ स्विमर आई ओनली नो कि यार इतना, मतलब नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल स्विमर, अगर वो प्रोफेशनल नहीं भी थी तो यू वुड नो, यू गाइज वुड रिलेट टू इट कि यार अगर 500 मीटर्स भी आप उसमें चल रहे हो ना तो उसमें भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, पानी में बहुत जल्दी थकते हैं, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है ना वेट लूज की, तो इसीलिए यहाँ पे वो इतना फाइट मार रही होगी। बट इन द एंड शी गॉट टेरिफाइड, अलॉन्ग विद दैट शी मस्ट हैव गॉट स्कैर्ड और यू नो टायर्ड और समथिंग लाइक दैट, तो कुछ हुआ ऐसा, तो उसने 2 दिन जब वो पानी में बहाए होल्डिंग ऑन टू अ वुडन फ्लोर, मतलब वो वुडन फ्लोर पे, वुडन डोर सॉरी, सो लकड़ी के दरवाजे को लेके वो पकड़ी रही थी। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसके पहले सर के ऊपर से जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स गए थे। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखो ऐसे ये होते हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स इस टाइप के बेसिकली जो फूड पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी को जान बचानी हो तो वो उठा लेते हैं अगर वेव से वो बच के कर पाएं तो। सो इफ इट इज़ पॉसिबल, इफ इट इज़ इन देयर हैंड्स, दे ट्राई देयर बेस्ट टू रेस्क्यू पीपल, वो उसी लिए टीम आती है, प्रॉपर ऑन ड्यूटी टीम होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि रेस्क्यू टीम आई थी हेलीकॉप्टर्स पे ऊपर, बट उन्होंने देखा ही नहीं उसको बेचारी को। सो शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, वो जो जब उसे लाया गया ना वो थक हार गई, हिम्मत हार गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो जब वो वापस आई तो वो ज़िंदा नहीं थी, शी वॉजेंट अलाइव। तो वो वेव के किनारे से बहती हुई एकदम, जैसे कचरा आता है ना, जैसे कोई स्क्रैप आता है बहता हुआ अनवॉन्टेड सब्सटेंस, तो वैसे ही बहती हुई आई एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो ऐसे लग रहा था एक लाइफलेस सब्सटेंस की तरह वॉक कर रही है, एक डेज की तरह, ठीक है।
तो यहाँ पे यही सारी बातें हमें याद रखनी है. सो वी मस्ट मेक अ टेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि वो बह रही थी, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, पैकेजेस, सप्लायर्स देने के लिए आ रहे थे जान बचाने, बट उन्होंने देखा ही नहीं उसे. तो वो शोर किनारे के साथ लाई गई थी. व्हेन शी वाजंट अलाइव, शी वाज डेड. शी लॉस्ट होप्स, शी लॉस्ट हरसेल्फ, बेसिकली हिम्मत हार गई थी वो. तो तीन स्टोरीज हमने पढ़ी, मेघना के बारे में पढ़ी हमने, हमने संजीव के बारे में पढ़ा, हमने इग्निशियस के बारे में पढ़ा. नाउ हमने रिलीफ हेलीकॉप्टर भी देख लिया है. अब बेटा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी, मतलब ये थोड़े ज़्यादा लंबी स्टोरी है इसलिए इम्पॉर्टेंट स्टोरी इसको बोला है. इसमें से आपके पास अगर बाकी सब में से एक एक क्वेश्चन आएंगे तो आपके जो जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स है ना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट की है, मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है थोड़ा. ठीक है, तो बेटा एक और स्टोरी है, देयर इज़ वन मोर स्टोरी अलमस जावेद के बारे में. अलमस जावेद जो है लड़की का नाम है, तो उनके बारे में अब देखते हैं, अब हम क्या कहते हैं. सो अलमस जावेद वॉज 10 years old, 10 साल की थी वो. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कामल कॉन्वेंट स्कूल इन पोर्ट ब्लेयर. तो पोर्ट ब्लेयर में वो कामल कॉन्वेंट स्कूल की थी, इस चीज़ के बारे में भी हम अच्छे से ध्यान रख लेंगे. सो कामल कॉन्वेंट स्कूल वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, उनके पिताजी का पेट्रोल पम्प था. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकावरी आईलैंड. तो दो आईलैंड पे बेस थी ना ये स्टोरीज, एक तो कैशॉल की तो हो गई, फिर आ जाएगा नानकावरी. तो उनकी मदर राहिला जो थी वो नानकावरी आइलैंड में थी, बट उस दौरान चल रहा था क्रिसमस, जैसे फर्स्ट चैप्टर में चल रहा था वैसे ये भी क्रिसमस ही वाइब है. सो द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. फैमिली वहाँ गई हुई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर. ये देखो क्रिसमस ही वाइब है, क्रिसमस चल रहा है, तो यहाँ पे फैमिली का आना जाना था क्योंकि उनकी मम्मा वहाँ रहती थी. फिर क्या हुआ देखें एक बार. When the tremors came early in the morning, tremors के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा, shakiness जब भी सुबह सुबह आई. The family was sleeping, family सो रही थी. Alma's father saw the sea water recede. Alma के father ने देखा sea water जो है recede, pass आ रहा है. ठीक है, that's what Alma's father noticed. Okay, excuse me, चलो ठीक है. तो यहाँ हमने देखा बेटा अलमा के जो फादर हैं उनको लगा कि यार सी वाटर इज कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स अस. ओके, तो रिसीड यानी कि आ रहा है, कमिंग अपवर्ड्स, वो भी ऊंची ऊंची वेव्स के साथ. रिसीड, कमिंग अपवर्ड्स, बढ़ चढ़ के आ रहा है एकदम. फिर क्या होता है बेटा, He understood that the water would come rushing back with great force. उसे पता चल गया था, समझ आ गया था कि जो water है वो वापस जाएगा एकदम तेजी के बल के साथ, great force के साथ. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उसने सभी को जगा दिया और बोला कि चलो यार एक safe सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो कौन थे उनके फादर, पेट्रोल पंप था उनका, और उन्होंने समझ गए थे वो कि फटाफट से चले जाना, टाइम से निकल जाना सही होगा क्योंकि उनका पहले से ही ऐसा डाउट हो गया था अर्थक्वेक के चक्कर में, ट्रेमर्स आ गए थे, शेकिनेस हो ही रही थी, तो उन्हें टाइड्स के बारे में लग ही रहा था कुछ ना कुछ हो सकता है. सो दैट वॉज अ गुड डिसीजन दैट दे टुक एंड दैट दे हैड. अभी कोकोनट ट्री की भी बात आएगी, बताती हूँ क्या बात आती है. तो ये लोग भागे थे, सेफर प्लेस पर जा रहे थे. सो एज दे रैन, जैसे वो भागे, Her grandfather was hit on the head. उनके grandfather को सर पे कुछ लग गया. Grandfather किसके हैं वो? Basically जब नानकावरी में उनकी मम्मा रहती हैं और grandfather उनके साथ जा रहे हैं, तो most likely to be so the grandfather was most likely to be Alma's grandfather, यानी कि Alma's नानू हो सकते हैं वो. ठीक है, कोई भी हो, grandfather को grandfather ही लगते हैं English में तो वैसे भी. तो उनके सर पे कुछ लग गया. By something and he fell down. कोई चीज लग गई and then he fell down, गिर गए. Her father rushed to help him. पापा भागे help करने के लिए कि यार ऐसे कैसे, मतलब नहीं रह, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, भागे help करने के लिए. Then came the first giant wave that swept both of them away. और पहली giant wave आई, वहाँ रुक गए थे just because वो, और वो दोनों को बहा कर ले गई. Poor creatures, ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार उनके साथ, है ना.
तो ऐसे ही फर्स्ट जाइंट वेव आई और उनको बहाकर ले गई। तो जाइगैंटिक वेव्स होती हैं वो, बिल्कुल एकदम लिजिट। ठीक है, अब आगे क्या होता है, उनकी मम्मा का भी तो सीन है, अभी मम्मा वगैरह बचते हैं या नहीं एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं। अलमा के बारे में बताया है, अब उनकी मदर के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ बोला है बेटा, अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमा की मम्मा और उसकी जितने भी आंट्स हैं, यानी कि वो रिलेशन में जितने भी आंटीज हैं, सब कोकोनट ट्री के पास चिपक के खड़े हो गए एकदम, बिल्कुल हिल डुलने को रेडी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, क्लिंगिंग यानी कि चिपक जाना, जैसे चिपको मूवमेंट चलता था ना वैसे ही। कॉलिंग आउट टू हर, उसके उसको भी बुला रहे थे अलमा को भी, फटाफट से आ जाओ तुम भी आ जाओ, ऐसे करके क्लिंगिंग होता है चिपक जाना। चिपक गए एकदम फेविकॉल की तरह। फिर क्या होता है बेटा, फिर ये होता है कि अ वेव अपरूटेड द ट्री। एक वेव आई इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी खतरनाक, इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ वेव आई कि उसने जड़ से उखाड़ दिया उस पेड़ को, ट्री को, कोकोनट ट्री, सोचो इतना स्ट्रॉन्ग होता है फिर भी। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो सभी लोग बह गए थे। पुअर ह्यूमंस, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है यार, है ना। नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे तो किसी का भी बस नहीं है नेचर पे, तभी बोलते हैं बेटा नेचर के साथ छेड़खानी करोगे तो नेचर आपके साथ कर देगी। ठीक है, अपरूटेड यानी कि जड़ से उखाड़ना। जड़ से उखाड़ना, और वो सब बह गए थे। सोचो चिपको मूवमेंट की तरह चिपके हुए थे, मतलब कि ये तो यार घरों को उखाड़ दे, प्रॉपर्टीज को उखाड़ दे, सब कुछ, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स को, हाई राइज बिल्डिंग्स को हिला के रख दे, तो फिर पेड़ क्या चीज है ना, पेड़ भी नहीं बचे बेचारे। आगे देखो अल्मस के बारे में भी तो देख लें। अल्मस सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मस ने एक वुड देखी फ्लोट करते हुए, बहते हुए जा रही थी। लॉग क्या होता है, पीस ऑफ वुड जो कि बह रही थी। अल्मस के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था ना कि अब मैं कहाँ जाऊं। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो गई, उसको नहीं पता फिर क्या हुआ इस संसार में। वेन शी वोक अप, जैसे वो उठी जागी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोरता। वो हॉस्पिटल में थी कामोरता में जब उसको होश आया। तो फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। अब वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर में लेकर वापस आया गया। तो दैट्स हाउ शी गॉट सेव्ड। उसकी जान तो बच गई, बट जस्ट ट्राई एंड थिंक हाउ ट्रामेटाइजिंग द सिचुएशन कुड हैव बिन फॉर दिस लिटिल गर्ल। 10 साल की मात्र लड़की थी जिसने अपनी आंखों के सामने एक हवा के, एक पानी के झोंके से, इन अ जिफी, यानी कि एट द ब्लिंक ऑफ हर आईज शी सॉ हर फैमिली, ऑल ऑफ हर फैमिली मेंबर्स ड्रिफ्ट अवे, है ना। शी लिटरली सॉ दैट। तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था। तो यहाँ पे और क्या बोला बेटा, द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। वो जो लिटिल गर्ल अलमस जावे थी, उसको किसी से बात करने का मन नहीं था इसके बारे में, इस घटना के बाद। शी इज स्टिल ट्रामेटाइज, वो अभी तक कांपती है ये सोच के। शी इज इन ग्रेट शॉक, शी इज ग्रेटली शुक बाय द मोमेंट, बाय द डिजास्टर एंड बाय द ट्रामा दैट द डिजास्टर हैज गिवन टू हर, राइट। एंड डिस्ट्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, एंड राइटफुली सो, कोई भी हो सकता है यार। लाइक नो अमाउंट ऑफ पेन कैन बी, नो अमाउंट ऑफ लेजर या फिर नो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस कैन बी कॉम्पेंसेटेड विद द लॉस दैट वन फेसेस आफ्टर लूजिंग वन ऑफ देयर डियर, नियर एंड डियर वंस, है ना। इसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है, इट कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड बाई एनी मीन्स, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता और पूरी लाइफ देखना है। सो दैट्स अबाउट इट किड्स, दैट्स अबाउट इट लर्नर्स, यानी कि इतना ही था हमारा जो स्टोरी में था पार्ट वन में। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन। सो बिफोर द पार्ट वन एंड्स, एक बार हम क्या करते हैं बेटा, Q&A टाइम कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर से अच्छे से वाकिफ हो जाते हैं, जस्ट सो आने वाले टाइम में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना बेटा, माइंड यू बहुत कुछ आपको ताबड़ तोड़ नहीं मिलेगा, रॉकेट साइंस नहीं मिलने वाला है। ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू नो इज ट्रू फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, सत्य है तो हाँ होगा, असत्य है तो ना होगा। तो आपने जितना भी, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन योर इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएट करो अपने आप को। मैं आपको टाइम दूंगी, डोंट वरी। सोचना है, मुझे देखना है कि कितने बच्चे कितने एफिकेसी के साथ जो है मैम की बातों को सुनते हैं, कितनी अच्छी लिसनिंग स्किल्स है, कितनी अच्छी ग्रास्पिंग स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिज़ाइन करा।
तो जल्दी से ये जो आपकी बुक में ट्रू फॉल्स है इसके आंसर आपने मुझे देने हैं, राइट? चलो, सो इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, फर्स्ट सेंटेंस है, टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी. इग्निशियस जो है उसने अपनी वाइफ को खोया, दो बच्चों को खोया, अपने फादर इन लॉ ससुर जी को खोया और अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि बच्चों के मामू जान को खोया सुनामी में. क्या आपको ये सच लगता है? बताओ बताओ बताओ. इग्निशियस की वाइफ, दो बच्चे, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, क्या सब बह गए थे क्या? बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि बाद में दिखाया था ना हिज वाइफ टू स्वेप्ट अवे, तो ये दिस इज ट्रू. वेरी गुड बच्चा बाटी. नेक्स्ट देखो, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी. संजीव जो है सुनामी के बाद में सेफ्टी में चला गया था, यानी कि बच गया था. इज दैट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट नाउ. टिक टिक, वन, अ वन, अ टू, वन टू थ्री फोर. देखो मैम की क्लॉक जो है बहुत ही लेट टिक करती है, जल्दी जल्दी आपको बताना है फिर. चलो टाइम अप हो गया है. संजीव जो है बाद में बह गया था क्योंकि उसे जॉन की वाइफ को बचाने का मतलब एकदम से अंदर से आया था, उसकी कॉन्शियंस ने उसको बोला था, है ना. सो इट वुड बी फॉल्स, ही कुडंट सेव हिमसेल्फ. मेघना वॉज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर. क्या मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बच गई थी? सोचो सोचो सोचो. नो, इट इज इन द केस एट ऑल. शी कॉल्ड फॉर द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स 11 टाइम्स बट दे डिड नॉट हियर हर वॉइस, नॉट इवन वंस. ओके ओके. सो अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आईलैंड. अल्मा के फादर ने रियलाइज करा कि एक सुनामी जो है उसके आईलैंड को वो हिट करने वाला है. क्या उसको रियलाइज हो गया था? बिल्कुल हो गया था भाई, क्यों नहीं हो गया था. So that would also be true. Next comes, her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. Unki mama aur jo aunts hai wo sab beh gaye the tree ko pakadte hi saath saath. Kya lagta hai aapko? Kya could have been the case? Of course it is the case beta. Aise hi itna zyada aise dilemma mein nahi rehna hai. It is but obviously true. Theek hai? To ye humne bahut acche se padha hai, isliye ye hame ye samajh mein aaya hai. ओके ठीक है. तो क्यू एन ए भी डन 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 हो गया. कुडोस टू यू ऑल. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द पार्ट सेकेंड, आपको लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू अराउंड सम बेसिक एंड सम इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑन अन अकेडमी. एंड वन ऑफ देम इज, वन ऑफ सच इज आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में बेटा आप लोग ना अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं. आस्क डाउट्स, आप किसी भी टाइम पे डाउट्स पूछो, आपको हाई क्वालिटी हाई एंड वीडियोस मिलेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों टाइप की सॉल्यूशंस आपको एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे. जिस टाइप का आपको जो डाउट है वीडियो सॉल्यूशन चाहिए उसी के हिसाब से आपको डाउट्स मिलेंगे. आपको इंस्टेंट एक्यूरेट सॉल्यूशंस के साथ मतलब इतने सारे क्वेश्चन के डाउट्स मिल जाते हैं, आपके होमवर्क में भी आसानी हो जाएगी, असिस्टेंस मिल जाएगी जो मैडम जी देती हैं, है ना. अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैम हाउ टू आस्क अ डाउट, है ना, कैसे डाउट पूछें. हमारे अन अकेडमी पे बेटा यू कैन क्लिक अ पिक्चर. वो पहले तो आपको जाना है आस्क अ डाउट पे, उसके बाद टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी जहाँ से भी आपने डाउट की फोटो खींची है, वो दुनिया जहान का कैसा भी डाउट हो सकता है. अब वो जो पिक्चर आपने क्लिक करी है उसको क्लिक करो, क्रॉप करो, हाईलाइट करो, जस्ट सो योर क्वेश्चन कुड बी ईजिली विजिबल एंड क्लियरली विजिबल टू अस या टू द सिस्टम. उसके बाद आपको सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना, कैटेगराइज करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके बाद आराम से बैठ जाना है और मस्त वीडियो सोल्यूशन आएगा आपके सामने, ठीक है. अब इसमें कुछ डोज एंड डोंट्स भी है बेटा, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है वाइल आस्किंग अ डाउट. ऐसे ना सिस्टम को ऐसे क्लटर मत कर देना, पाइल ऑन मत कर देना डाउट से, वन एट अ टाइम. सो वन क्वेश्चन एट अ टाइम शुड यू शुड आस्क. उसके बाद ट्राई करना कि हैंड रिटन डाउट्स ना हो आपके, प्रिंटेड डाउट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारे सिस्टम को समझ आएगा. मतलब आपकी सुंदर सी हैंड राइटिंग नहीं देखनी है यार, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है. सो दैट वुड डू, दैट वुड बी परफेक्टली फाइन. नाउ आपके पास बेटा अन अकेडमी कॉम्बैट चैलेंज के लिए स्कॉलरशिप ऑफर, मतलब ये किसको नहीं पता है, इट इज़ द वर्ड ऑफ माउथ, है ना, कि हम जो है 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप को मतलब अच्छे से जीत सकते हैं, अपनी पूरी अकेडमिक साजी फंड कर सकते हैं. एवरी संडे देयर इज दिस टेस्ट विच गोज ऑन, फ्री टेस्ट, ठीक है, बाय द नेम ऑफ फ्री टेस्ट ऑन एंड्रॉयड फोन. तो आपको जल्दी से इसमें अपने आपको एनरोल करना है. लास्ट डेट आपको पता ही है, तो 12 बजे होता है, 6 से 8 क्लास के बच्चों का, ध्यान से सुन लो. अब अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ फीचर्स हैं. वन ऑफ देम इज कि आपको ना लाइव क्लासेस अपने कंफर्ट जोन से मिल रही है, घर बैठे बैठे फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर सम क्लासेस गोइंग ऑन, है ना.
आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज पे, आपके सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं आपको अंडर दिस वन सिंगल अम्ब्रेला. व्हाट मोर डू यू वांट? हाँ, क्या चाहिए? और आपकी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हो रही है आपको, मतलब इधर उधर सिलेबस के धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं आपको, मेंटोरशिप गाइडेंस सब कुछ मिल रहा है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिल रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव टेस्ट सीरीज हो रही है, बैच कोर्सेज हो रहे हैं, मतलब और क्या कहने, सब कुछ आपको मिल रहा है, वन स्टॉप सोल्यूशन. प्लस सब्सक्रिप्शन बेटा 6 टू 12 क्लास में अगर हम देखें तो 6, 12, 8, 15, 18, 24 मंथ्स के हिसाब से हाउ सो एवर वे योर पॉकेट अलाउज यू टू फंड योर अकेडमिक्स और योर पेरेंट्स, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो. कोई प्रेशर नहीं है, नो प्रेशर फ्रॉम आर साइड, बट हाँ आपके लिए इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इफ़ यू अप्लाई द कोड विच सेज NIDHI01 तो आपके तो आसानी हो जाएगी ना बेटा, आप जो 10% ऑफर 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो कुछ नहीं तो, ये तो बहुत ही मस्त है ना. तो गेट ट्राई एंड गेट एज मेनी बेनिफिट्स एज यू मे एक्सेस थ्रू अनअकैडमी, ठीक है. अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, कुछ बच्चों को ग्रुप स्टडी में बहुत अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है, क्या करना है, वन ऑन वन सेशन के लिए आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो, जिसमें हम लाइव सॉल्विंग, मतलब आपके डाउट सॉल्विंग सारे लाइव होंगे, लाइव क्लासेस होंगी सामने बैठ बैठ के, आपकी पेरेंटल काउंसलिंग होगी, स्टडी प्लानर आपका स्पेशली बनाया जाएगा जैसे कि पर्सनल ट्रेनिंग पर डाइट चार्ट बनाया जाता है वैसे ही, और आप पे पूरा 100% फोकस किया जाएगा. तो आपको इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपना प्राइसिंग देख लो. ट्रायल के लिए आप 6 मंथ्स के लिए ट्राई कर सकते हो एंड देन यू कैन अपग्रेड योर पैकेजेस एंड प्लान्स, ठीक है. अगेन इसमें भी आपको NIDHI01 कोड लगाना है बच्चा. ये जो ऑफर्स होते हैं ना ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही वैलिड होते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी से अप्लाई करना है, ठीक है. तो यार आपको पता ही है जब पढ़ना है ही तो फिर अभी से ही क्यों ना कर ले, इतना सोचना क्यों है, डू नॉट थिंक ट्वाइस इफ़ यू कैन फंड योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स कैन फंड यू. बेसिकली आप 5 में पे कर सकते हो, जीरो कॉस्ट EMI पे कर सकते हो, इट लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन यू. हम बस आपको ईजी एक्सेस वे बता सकते हैं. आज ही डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप. बहुत सारे बच्चे YouTube पे देखते हैं, अगर आपको अनअकैडमी के बेनिफिट्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं और सारे फीचर्स आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो, मतलब ट्राई कर सकते हो इफ़ यू अप्लाई NIDHI01 अगेन. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक द सेशन वॉज वेरी मच प्रीटी मच इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव. वी गॉट टू हैव द स्प्रिंकल्स ऑफ टच ओवर द सेंसिटिवनेस ऑफ द people that we came across in the session, hai na. So I think that's it for now. Don't forget to like, share and subscribe to the Unacademy channel, theek hai. Is channel ko jaldi se like, share, subscribe kar dena, session ko share kar dena, and I'll see you next time. Thank you so much for listening. Bye bye.